वेलकम फ्रेंड्स, ओपेल आरओ में आप सभी का स्वागत है। आज हम सर्विस करने जा रहे हैं एक्वा लीजा मॉडल। इसमें दो तरह के टैंक आते हैं, एक ट्रांसपेरेंट और एक नॉन ट्रांसपेरेंट, और मेटालिक कलर्स आते हैं। इसमें सबसे पहला स्टेप है कि आपको इनलेट वाल्व बंद करना है, और सेकंड में इस बाउल में से जो कैंडल है उसको चेंज करनी है। इनलेट वाल्व बंद करने के बाद हमने यहाँ पर ये कैंडल चेंज किया हुआ है कस्टमर के वहाँ, क्योंकि वहाँ पर हार्डनेस ज़्यादा है, मिट्टी कम है। अब आप देख सकते हैं कि इसमें कस्टमर की कंप्लेन थी कि एक ही तरफ पानी आ रहा है, रिजेक्ट वाटर नहीं निकल रहा है। तो हमने मशीन को पूरा ओपन किया और चेक किया गया है। चेक करने के बाद पता चला है कि इसका जो मेम्ब्रेन है वो चौकअप है, अदरवाइज सारी जगह से प्रॉपर पानी का फ्लो जा रहा था। हमने सबसे पहले इसके अंदर जो नेसेसरी पार्ट्स थे उन सबको चेंज करके देखा, और उसके बाद हमने मेम्ब्रेन की हाउसिंग को ओपन किया। और हमने जैसे ही इसे ओपन किया हमें पता चला कि मेम्ब्रेन पूरी तरह से चॉकअप हो गया है। आप देख सकते हैं इसके अंदर से इतना हार्ड सॉल्ट निकला है। यहाँ पर TDS काफ़ी हाई थे पहले समर में, अभी मॉनसून सीजन था जब ये मशीन सर्विस किया गया, तो उसका सरफेस जो ग्राउंड वाटर है वो थोड़ा ऊपर आया है, उसके कारण इसके TDS कम हुए हैं। और कम होने के बाद इसके अंदर ये समस्या आई है। आप देख सकते हैं ये TDS है प्रोडक्ट वाटर के, और ये रो वाटर के TDS है। अब हमने प्रोडक्ट वाटर के TDS आपको दिखाना चाहेंगे। इसपे से ही जजमेंट आता है कि क्या आपको मेम्ब्रेन चेंज करनी चाहिए या नहीं। दो कंडीशंस होती है, एक तो आपका अगर फ्लो कम हो गया है और जो वाटर का स्टोरेज टैंक है उसको भरने में ज़्यादा देर लग रही है तो भी ये संभव है, अदरवाइज वो जल्दी भरा रहा है, जल्दी ही फुल हो जा रहा है तो भी ये संभव है। तीन तरह के वाटर्स होते हैं जनरली, मेनली एक होता है म्यूनिसिपल, एक होता है बोरिंग का, और दूसरा होता है वेल वाटर। वेल वाटर में सबसे कम मेंटेनेंस आता है कंपेरेटिवली दोनों वाटर के, क्योंकि वहाँ पर पानी का जो पंप होता है वो थोड़ा ऊपर लेवल से पानी को खींचता है, जबकि हार्ड वाटर में ज़्यादा मेंटेनेंस आता है और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में भी ज़्यादा आता है। यहाँ पर इसकी जो पाइप्स थी उस पर एजिंग इफेक्ट के कारण अलग अलग जगहों से लीकेज हो गई थी, वो भी हमने बदल दी है। इसको प्रॉपर पूरा सर्विस किया गया है, और ये पाइप देख सकते हैं आप, इस पर एजिंग इफेक्ट होता है। अगर ये सनलाइट में कहीं